भारतीय जनता पार्टी की जो 9 साल की सरकार है ये पूरी तरीके से बदतर और बदहाल है। ऐसे जासूसों को जिस तरीके से देश में एंट्री मिल रही है, क्या अखंड भारत का सपना दिखा रहे हैं? वाह रे देश की मीडिया, मोदी जी ने देश को केवल बंटा ढार करने का काम किया। में उत्तर प्रदेश में कोर्ट से निकलने के बाद पूरी तरीके से दिनदहाड़े हत्या कर दी जाती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की चुप्पी नहीं टूटती है कि धर्म के नाम पे देश को लूटा जा रहा है। अरे भैया, बीजेपी जैसा झूठ पे झूठ लूट पे लूट, मणिपुर पूछा आपने, और आप जैसे पत्रकार उनका महिमा, मोदी जी आज महाराज जैसे, चिन्मयानंद जैसे अपराधी लोग जो रेपिस्ट हैं वो आज देश की संसद में बैठे हुए हैं। मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। अभी हमारे साथ मौजूद हैं श्रवण पांडे जी, जो कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, और कांग्रेस की ही सत्ता है राजस्थान में, और जिस प्रकार की शर्मनाक घटना हुई है राजस्थान में उसको लेकर काफ़ी राजनीति चल रही है, इसको लेकर इनसे हम बात करेंगे। इनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि राजनीति तो हर मुद्दे पे चलती है, लेकिन क्या इस पर भी राजनीति होना ज़रूरी है या कार्यवाही होना ज़रूरी है? क्या कहेंगे आप? आप ही की सत्ता है, कांग्रेस की सत्ता है, और कांग्रेस की सत्ता में एक दलित लड़की के साथ इतनी घटिया, निंदनीय, शर्मनाक हरकत हुई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारी सरकार के शासनकाल में व्यवस्थाएं पूरी तरीके से सुदृढ़ हैं, लेकिन मैं एक बात आज पूछना चाहता हूं। आपने वाकई में राजस्थान का जिक्र किया, तो मैं उस दौर पीछे भी ले जाना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश का भी जिक्र करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी अगर राजस्थान पे बात करती है तो वहीं उत्तर प्रदेश पे बात क्यों नहीं करती है, या मध्य प्रदेश के बात क्यों नहीं करती है? जब आदिवासियों के ऊपर पेशाब किया जाता है तब वहाँ के शिवराज सिंह चौहान जी चुप्पी नहीं तोड़ते हैं, और राजस्थान जब दोबारा चले जाइए आप तो वहाँ पे बीजेपी पूरी तरीके से महिमा मंडल करने का काम करती है। हमारी सरकार के शासनकाल में चाहे गरीब हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे वंचित हो, सभी लोग खुशहाल हैं। आप जाके चाहे कर्नाटक की सरकार में या आप हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार है पूछ लीजिए। गहलोत सरकार जी के शासनकाल में ऐसा जो भी कुकृत किया है उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा, ये मैं आश्वासन देता हूँ। क्योंकि आज मैंने देखा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में कोर्ट से निकलने के बाद पूरी तरीके से दिनदहाड़े हत्या कर दी जाती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की चुप्पी नहीं टूटती है। बताइए, पत्रकार आप भी हैं, मैं चौतरफा पूरे देश के चारों कोनों कोनों से, एक दौर हमारे नेता थे जब कन्याकुमारी से और कश्मीर तक पूरे देश की यात्रा किए थे, तो तमाम ऐसे आरोप प्रत्यारोप इस सरकार ने लगाने का काम किया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी से आप मजाल है सवाल जाके पूछ लीजिए, माइक फेंक दिया जाएगा। मजाल है आप एक आरोपी बृजभूषण शरण सिंह से आप सवाल पूछ लीजिए, जिन्होंने बहन बेटियों को, जो बहन बेटियां देश का मेडल लाती थी, तिरंगे का मान ऊपर करती थी, उन बहन बेटियों के ऊपर बूट के तले उनको रौंदा गया। मजाल है पूछिए बीजेपी नेताओं से। सरकार कहती थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी सरकार के शासनकाल में बेटियों के ऊपर लाठी और डंडे बरसाए गए, पूछेंगे आप? हाँ पत्रकार, जनहित की आवाज आपने नाम रख रखा है, जनहित की जनता की आवाज उठाती है, बताइए, आपके पास जवाब नहीं होगा। जवाब क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार है वहां सवाल नहीं पूछेंगी, लेकिन जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पूछेंगी। मैं कहता हूं जरूर, अगर किसी के साथ कोई ऐसा, अगर हमारे साथ भी कल ऐसा, आपके साथ भी, हमारी बहनें हैं न वो दलित हैं, न वो अल्पसंख्यक हैं, न वो सबर्ण हैं, वो हमारी देश की बहन बेटियां हैं, अगर उनके साथ कोई ऐसा अपराध होगा तो वो सरकार पूरी तरीके से, हम कटिबद्ध हैं, और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, जब चुनाव आ जाता है तब ऐसे ऐसे मुद्दे आ जाते हैं। ये मुद्दा कौन लाता है? ये बीजेपी की आईटी सेल कौन ऐसे मुद्दे को लाती है? आपने देखा होगा, मध्य प्रदेश की खबर नहीं दिख रही होगी, नहीं दिख रही होगी, लेकिन जो जेल की सलाखों के जिसको भेजा गया, आप बताइए क्या उनके ऊपर यूएपीए लगा? नहीं लगा। आज देश में हमारी जांच एजेंसियां जो है उनकी नाकामियों की वजह से आज राजनाथ सिंह से सवाल नहीं पूछेंगी कि आप बताइए नेपाल के जरिए से भारत में वो एक लड़की, क्या नाम है पता नहीं, मैं तो जानता ही नहीं हूँ, है पता नहीं कब क्या शादी हुई, कब क्या पता नहीं। हम तो देख रहे हैं ऐसा महिमा मंडल मीडिया दिखा रही, ये देखिए, अरे भाई जग्गा जासूस आपने मूवी देखी है? ऐसे जासूसों को
जिस तरीके से देश में एंट्री मिल रही है, क्या अखंड भारत का सपना दिखा रहे हैं? अखंड भारत का ये सपना नहीं है, ये वाकई में इनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाना चाहिए। लेकिन नहीं, सीमा भाभी आ गई हैं, सकीना आ गई हैं, गदर 2 आ गया है, ये क्या मुद्दा है? मूवी बना रहे हैं। कश्मीरी पंडितों को आपने क्या, कश्मीरी पंडितों को न्याय देने का काम किया? जो विवेक अनहोत्री ने, जिन्होंने मूवी बनाने का काम किया, करोड़ों रुपए लेके गए, लेकिन क्या कश्मीरी पंडित खुशहाल हैं? नहीं खुशहाल हैं। इस सरकार के शासनकाल में चाहे बहन बेटियां हों, चाहे देश का किसान हो, चाहे महिलाएं हों, सभी लोग इस सरकार के शासनकाल में, भारतीय जनता पार्टी की जो 9 साल की सरकार है, ये पूरी तरीके से बदतर और बदहाल है। मैं कहता हूँ, बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, गरीबी पे, भुखमरी पे बात नहीं करेंगे, अपराध पे बात नहीं करेंगे। मैं सारे डेटा के अनुसार मैं इस सरकार से पूछता हूँ, आप उठाइए NCRB का डेटा, बताइए। नहीं उठाएंगे NCRB का डेटा, आप उठाइए CMI की रिपोर्ट, देश में बेरोजगारी दर क्या है, हंगर इंडेक्स उठाइए, देश में भुखमरी कहाँ है। बांग्लादेश से और पाकिस्तान से हम नीचे हो गए। मोदी जी तो फ्रांस का दौरा करेंगे और आप जैसे पत्रकार उनका महिमा, मोदी जी आ गए, मोदी जी भारत, अरे भैया मोदी जी भारत क्या, फ्रांस से भारत आएंगे तो बोर्ड लग जाएगा, मोदी जी भारत आ गए, वाह रे देश की मीडिया। देश की ख्याति बढ़ा रहे, विदेश में आपको पसंद नहीं आ रहा? कौन सी देश की ख्याति बढ़ा रहे हैं बताइए, मोदी जी कौन? अच्छा, इंटरनेशनल लीडर बन गया, पॉपुलर लीडर। अब कहते हैं अपनी दुकान अपने मुँह में मिट्ठू बनना, इंटरनेशनल लीडर बन गए मोदी जी, बताइए कौन से उसमें? कितनी बाहर की कंपनियां भारत में आई और भारत के लोगों को रोजगार देने का काम किया, आप एक भी कंपनी का नाम बता दीजिए। कितनी MNCs आई विदेश से? टेस्ला के मालिक बोलते हैं कि मोदी के फैन है, मोदी, अरे तो भैया अडानी अम्बानी तो मोदी जी के गोद में है, टेस्ला मालिक तो फैन है, अडानी अम्बानी गोद में है, हैं बताइए। अब गोद वाले को गोद में लेके फ्रांस पहुंच जाते हैं, हैं। आज बाढ़ है, तमाम ऐसे बाढ़ से ग्रस्त हैं राज्य, मोदी जी को उस पे नहीं होना चाहिए, हैं। मोदी जी ने बहुत नारा दिया था, बहुत ऐसे ऐसे नारों से उद्बोधन किया था देश की जनता को, तो ब्रांडिंग के जरिए इतिहास बना दिया था। क्या किया मोदी जी ने? मोदी जी ने देश को केवल बंटाधार करने का काम किया और मोदी जी ने कुछ काम नहीं किया है। सूट बूट की सरकार नहीं चाहिए, ऐसी सरकार चाहिए जो देश में जनहित की बात करे। बार बार जनहित का नाम आ जाता है, लेकिन आप जैसे पत्रकार जनहित की आवाज़ उठाते कहाँ हैं? हम आवाज़ उठाते हैं तभी आपसे सवाल पूछने। अरे अब हमसे तो वही तो कह रहे हैं, आज के टाइम में वही चाहिए। अब उत्तर प्रदेश का सवाल नहीं पूछेंगी, नहीं पूछेंगे, मध्य प्रदेश नहीं जाएंगी, हम तब भी पूछते हैं अभी आपके साथ। मणिपुर पूछ लीजिए, पूछा है हमने, कहा अभी कहाँ पूछा आप बताइए, झूठ पे। अरे भैया BJP जैसा झूठ पे झूठ लूट पे लूट, मणिपुर पूछा आपने? 2 महीने से ज्यादा मणिपुर चल रहा है, कौन मणिपुर की, मणिपुर के लिए कौन गया? राहुल गांधी जी गए, कौन गया बताइए ना? मोदी जी गए? राहुल गांधी इतना लेट से क्यों जागे हैं? अरे भैया, अरे मोदी जी तो सोए हुए हैं। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे नेता मणिपुर में तमाम उन शिविरों में उन जो बेघर लोग हैं उनके साथ बैठे हुए हैं, लेकिन मोदी जी को मंदिर और मस्जिद और अजान और हिजाब और कुरान और ऐसे इससे मुद्दा हटेगा बताइए? आज पत्रकारों को वाकई में आप दिखाती हैं, मैं आपको सलाम करता हूं, सच्चाई दिखाती हैं, ठीक है। लेकिन जो लोग उन्हीं पत्रकारों को, जो लोग बिजभूषण शरण सिंह, आपने देखा होगा परसों दिल्ली में जब अपने घर से निकलते हुए एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछ लिया कि आपके ऊपर चार्जशीट लगातार दायर है, उन्होंने कहा नहीं हटाओ हटाओ, क्या हुआ? वही में ये सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है बताइए? नहीं करती है सरकार। ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो देश के हित की ना बात करे, जो देश में जवान की बात ना करे, जो देश में किसान की बात ना करे, केवल अडानी अंबानी की बात करे। एक नेता जो संसद भवन में आवाज़ उठाता था उसे अयोग्य सांसद घोषित कर दिया गया, और तमाम ऐसे गुंडे, साक्षी महाराज जैसे, चिन्मयानंद जैसे अपराधी लोग जो रेपिस्ट हैं, वो आज देश की संसद में बैठे हुए हैं। ये देश के लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम इस सरकार को लगातार ईंट से ईंट बजाएं। सरकार ने तमाम हमारे ऊपर, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, लोग कहते हैं बाबा से डरे, ढोंगी अपराधनाथ को जानती हैं जिनके ऊपर आप निकाल लीजिए, पूरा काला चिट्ठा है उनके ऊपर, तमाम ऐसे आपराधिक मुकदमे हैं। वो देश के सूबे के मुख्यमंत्री प्रदेश के बने हुए हैं। तो ये सरकार भ्रष्टाचारी सरकार पूरी तरीके से है। मैं ADR की रिपोर्ट उठा के कह दूं,
कि 312-11 सांसद में सबसे ज़्यादा भ्रष्ट सांसद कौन है तो बीजेपी का, आप उठा लीजिएगा। आज घर जाइएगा, ADR की रिपोर्ट सर्च करिएगा और बताइएगा मुझे वाकई में बीजेपी ने भ्रष्टाचार खत्म करने का काम किया, नहीं करने का काम किया। ये वंशवाद की जो प्रक्रिया बीजेपी में है, आज क्या सावन का महीना चल रहा है ना, वंशवाद तो कांग्रेस को कहा जाता है। बताइए कौन है BCCI अध्यक्ष, कौन है, अमित शाह जी का बेटा है ना, आज बोलबम में जाना चाहिए, हिंदू राष्ट्र की मांग करनी चाहिए, मतलब देश के गरीब बच्चे को झंडा, भगवा घन झंडा के नाम पे देश में तांडव कराएंगे। और वो BCCI के अध्यक्ष, आज सावन महीना चल रहा है ना, मोदी जी कांवड़िया लेके चलेंगे हरिद्वार से, जल चढ़ाएंगे, हैं हिंदू, बड़े हिंदू हृदय सम्राट हैं योगी जी, चलेंगे जल चढ़ाएंगे। अरे देखिए मंदिर पहुंच जाते हैं, अरे भैया तो VIP और देश की जनता लाइन लगाती है, मतलब आप उन्हीं जनता के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, ये हिंदू हितैषी सरकार नहीं है। राम राम जपना पराया माल अपना, ये सरकार ऐसी है भैया। रघुपति राघव राजा राम का नारा कौन दिया था, महात्मा गांधी जी ने, इन्होंने जिस तरीके से उसको शर्मसार करने का काम किया। भारत सभी का देश है, यहाँ सभी के न्याय की, सभी के अधिकार की बात होगी और देश संविधान से चलेगा। हम संविधान प्रहरी लोग हैं, हम इस सरकार से लगातार सवाल पूछेंगे और आने वाला जो 2024 का चुनाव है, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये जनता, आप जनता के दिलों से पूछ लीजिए। वाकई में देश के प्रधानमंत्री को कोई पसंद करता है? आज 200 रुपये किलो से ज़्यादा टमाटर है, प्रधानमंत्री जी उतर जाएं स्मृति ईरानी जी, सड़कों पे उनके नेता जब महंगाई थी तब डाइन खा रही थी, और आज महंगाई भौजाई बन चुकी है, भौजाई बन गई है, जैसे भौजाई पाकिस्तान से यहाँ आ गई, वैसे महंगाई भी भौजाई बन गई है। तो ये सवाल वाकई में सरकार से करना चाहिए। और देश की मीडिया, इस देश में अगर देश की जनता को सबसे ज़्यादा झूठ दिखाने का काम स्ट्रीम मीडिया ने करने का काम किया है, वो जनता के पास अगर पहुंच जाएंगे तो जनता की आवाज़ को नहीं दिखाना चाहते हो, केवल एक हिंदू मुसलमान के नाम पे। अगर आप जाइए भी उनके किसी प्रवक्ता से आप पूछ लीजिए कि महंगाई पे बात करना चाहते हैं, तो नहीं महंगाई पे बात करेंगे, वो केवल अजान हिजाब पे चले जाएंगे। तो आज देश को ज़रूरत है जागरूक होने की। अगर हमारे देश में हमारे लोगों के पास अगर इस कलम की ताकत होगी, तो कलम वो शेरनी का है जो धारता है। लोगों को ज़रूरत है जागरूक होने की और वाकई में सच जानने की। धर्म के नाम पे देश को लूटा जा रहा है, ये सब लोग जान रहे हैं। ऐसी सरकार को सत्ता से बेदखल किया जाएगा और 2024 में एक नई सरकार आएगी, वो जनता के दिलों पे राज करेगी और जनता के हितों की बात करेगी। जय हिंद जय भारत। तो जैसा कि आपने सुना कि कैसे इन्होंने बताया कि एक 2024 में इसको उखाड़ फेंकना है, जो मौजूदा सरकार है उसको उखाड़ फेंकेंगे और एक नई सरकार आएगी और जनता के दिलों पर राज करेगी। इसी के साथ वो जो है, जो मौजूदा सरकार है वो, उससे महंगाई की बात करो तो वो हिजाब पे चली जाती है, हिंदुत्व की राजनीति करके आपस में दंगे भड़काती है, ये इनका साफ तौर पर कहना है। बाकी आपको डिसाइड करना है कि क्या कुछ करना है, आपकी जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी।